ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स दे विल बी ऑन नंबर वन आफ्टर दिस गेम. 112 पॉइंट्स, द ओनली टीम राइट नाउ जिन्होंने वो जो शतक है 100 पॉइंट्स का वो आंकड़ा पार किया है, और सेकंड और थर्ड का इस वक्त टाई चल रहा है फिक्सेस. वो सबको छोड़ दीजिए, ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के एक बार फिनिशेस के ऊपर ध्यान दीजिए. 62 उतने तो किसी टीम के मतलब पोजीशन पॉइंट्स नहीं, सिर्फ केमिन ई-स्पोर्ट्स अकेलौती है 63. केमिन ई-स्पोर्ट्स का भी आज आई थिंक एक बहुत ही सुनहरा दिन था, जिस तरीके से खेले हैं काफी अच्छा कमबैक उनके तरफ से देखने को मिला. गॉडलाइक सोल, हमने एंटिसिपेट किया था कि शायद गॉडलाइक का आज फॉल देखने को मिल सकता है. टीम सोल का वो #2curse अभी भी जारी है, बट टीम एनिग्मा फॉरएवर कहीं ना कहीं वो टीम भी कहीं ना डिसेंट खेल रही थी, बट टीम एक्सो disappointed with them. Well, आप EXO की बात करने में बोलूंगा Raven and Esports, आज जो सैनो का गेम हमने देखा था, momentum वहां से build किया जा सकता था, but फिर भी chicken dinner लेने के बावजूद टीम हमको 10वें पायदान पे आज का दिन खत्म करती हुई नजर आएगी. देखिए पॉइंट्स टेबल देखिए, मुझे एक क्लियर आ गया कि फिक्सेस ने भी बोला था कि टूर्नामेंट के मिडवे तक हमें पता चल जाएगा कि कौन सी टीम लड़ रही है फॉर द टेबल. यहाँ पे लग रहा है कि टॉप 6 आर द टीम जो लड़ेंगी, अनलेस और अंटिल कोई एक टीम आए मेजर पॉइंट लेके बैक टू बैक चिकन डिनर निकाल के. 6 टीम लग रही है अभी तो टाइटल के लिए लड़ेंगी. एग्जैक्टली, आई मीन ये परफॉर्मेंस काफी इंटरेस्टिंग रहेगा. एक और चीज पॉइंट आउट करना चाहूंगा, ओआर ई-स्पोर्ट्स का हमारा काफी अच्छा खासा डिस्कशन हुआ था दिन की शुरुआत में.